जीत जी, हमारे कानपुर का लोग कहते हैं कि गंदगी वाला शहर है, मक्खी मच्छर हैं। अब जीत जी इस बात की तह पे तो जाओ, काहे गंदगी वाला शहर है हमारे कानपुर में। जीत जी ज्यादातर दुई कमरा का अगर मकान है तो मनाई अपने माँ बापों का रखिए, अपनो रहिए, भाई बहन का रखिए, अपने बच्चे रहिए। अगर बुआ मौसी कोनो जरूरतमंद है तो उन्हों का जीवन भर का ठेका लेते हैं, ऐसे नहीं अपनी खाए लक्ष्मी नारायण। अच्छा ई बड़े शहर में चले जाओ, जरा देखाओ है चार चार पांच पांच कमरे फ्लैट में अपना मियाँ बीबी और एक आध बच्चा रहत है। और अगर तुम कहीं बिना फोन के पहुंच जाओ तो छुटते कह दे हैं कि यार एक फोन तो कर लिया होता। हमारे कानपुर में देखो गांवों से लोग चले आवत हैं रात बिरात बिना फोन किए, बिना कोई सूचना दिए। अच्छा तुम कहती ना हुई हो कि हाँ भैया काहे बिना फोन किए चले आए, वहीं रह लेते हैं और चले जाते हैं। इन बड़े शहरन में जीत जी अपनी टावर अलग, अपना कमरा अलग, अपना वॉशरूम अलग, अपना बेड अलग, हर चीज तो अलग है, क्रीम अलग, ग्लास अलग है और टावल अलग। हमारे कानपुर में कहो एक टावल से पूरा परिवार पोछे, कौनो बीमारी मारी नहीं होते जी, इम्यूनिटी बढ़ जाते हैं। पर हुआ चोचले ज्यादा हैं हमारे यहाँ त्योहार में जी जी, अपना खाना तो बनाइए बनाइए, पड़ोसी खिलाइए, रिश्तेदार आई है उनका खिलाइए, परिजन का दे हैं। और हुआ तो कहो जो है त्योहार वाले दिन होटल में खाए हैं, तो जितने ज्यादा लोग रही है उतने तो गंदगी हुई है ना जी। लेकिन एक बात है, अकेले से झमेला भला मर जाइए।